तमाम लोगों को खुशहाल रखे, सादा। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज मोहतरम दोस्तों, आपके अपने चैनल अफसर ताजी विलाग पे आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। और अभी इस वक्त में ये अपना जामगांव खड़का के बहारगा शरीफ पे तशरीफ लाया हो, जहाँ पे हजरत मुगरशा वली और गुलाबनशा वली दो भाइयों की बारगाह शरीफ है। और यहाँ का मुकम्मल करने के बाद अभी इस वक्त में पहाड़ी के ऊपर जो दरगाह शरीफ है वहाँ पे जा रहा हूँ, तो जंगल का सफर है, वहाँ चलते हैं। ये हमारे फारूक भाई, ये हमारे साथ है, और वहाँ चल के जंगल फॉरेस्ट पूरे नज़ारे आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह अभी हमारा सफर शुरू हो गया है। देखिए मैं यहाँ से अभी जंगल के रास्ते से सीधा जा रहा हूँ। दरबार खुदा दरबार साजुल अवलिया और हर बलाए नागवानी सर से सरवर चल गई, जब कहा मैंने यह सरकार साजुल अवलिया, यह सरकार साजुल अवलिया, हम गुलाम आने साजुल अवलिया। अभी बारगाह पर हाजिरी के सिलसिले में वहाँ पे जा रहे हैं, और आप तमाम लोगों की हाजिरी और सलाम हजरत के बारगाह पे पेश करें।
ये हमारे अरुण भाई के पास जो होटल नजर आ रही है ये इसलिए रखे हमने लगे चला दोस्तों देखिए रब्बुल आलमीन की ये कुदरत के नजारे हजरत गुलाबन शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार पाक यहाँ पे आपने इबादत और रियाजत की। ये देखिए ये पहाड़ी ये चट्टाने और यहाँ पे जाहिरीन हाजिरी के लिए यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए फारूक भाई आ जाइए। शादी हो या बर्थडे हर तरह के डेकोरेशन के लिए आपकी खिदमत में पेश है नागपुर में पहली बार डेकर विजन, जो शादियों के सेज और बर्थडे पार्टी के डेकोरेशन करते हैं। तो कॉन्टेक्ट कीजिए। ये देखिए ये सरकार के दीवाने चाहने वाले हजरत गुलाबन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की हाजिरी के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। ये पहाड़ी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बनाओ बोलता हो भाई बनाओ माशाल्लाह देखिए ये आपका परचम और ये है ये देखिए ये देखिए हमारे सलीम भाई आपको नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे हजरत भी हाजिर हुए है ना
तो शेर खान की हाजिरी आई है, है ना? भैया थोड़ा सा साइड में, बिल्कुल साइड में, बार 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 सर पूरा अच्छे से आना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे रब की शान देखिए, माशाल्लाह इतनी ऊंचाई। और इस पहाड़ी से झरना आता है, अभी बारिश का वक्त नहीं, बारिश में आता है, बारिश के वक्त ये जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है, दुकानी में भी आता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से देखिए, वैसे भी आपको कुछ तादाद में पानी नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ से झरना, ये एक गीला दिख रहा है, और यहाँ शेर भी है ना। माशाल्लाह दोस्तों देखिए, हजरत गुलाब गुलाम अली शाह। अच्छा माशाल्लाह, ये हमारे सलीम भाई, हमने फिलहाल तो ये शहर नागपुर में रहते हैं। फरमाइए हजरत के बारे में, आपका शरीफ वगैरह तमाम। इनका नाम है सैयद गुलाम अली शाह, घर में मोगर सैयद मोगर शाह। अच्छा अच्छा, ऊपर में सैयद दलमे शाह वाली। दलमे शाह वाली तो ये बहुत ऊंचाई पे है ना, तीसरे पहाड़ी पे, इसके भी ऊपर। हाँ, इससे ऊपर तीसरी पहाड़ी पे, ये पहली। हाँ, और एक पहाड़ी आएगी फिर उसके ऊपर में, एक पहाड़ी तीसरी पहाड़ी। तीसरी पहाड़ी इस बार नहीं, अगली बार। वो वहाँ पे वो सामने में मुकाम दिखता है जी, जी, जी। वो है लक्कड़ छावली का, ये यहाँ पे एक मुकाम है गबन छावली का, यहाँ जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। तो माशा चलिए, आपको गुलाब अली शाह है ना। हाँ, सैयद गुलाम अली शाह की हाजिरी करवाते हैं, और आप तमाम लोगों की हाजिरी और सलाम हजरत की बारगाह पे पेश करें। चलिए, मैं इधर रहूँ, बस उसको कवर करना। तुम भी बना दिए दो 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 एकड़ के उनके पास सरकार की बारगाह शरीफ है, और देखिए गुफा के अंदर दीन की बारगाह शरीफ है, तो अल्लाह के वली की शान आप समझ सकते हैं। अंदर देखो ना, झुक के कितनी जगह है, देखो उधर में, इधर के कोने में बैठने के लिए दो तीन जने बैठ सकते हैं। ओ मामा जी, मामा ये यहाँ पर है ना जी, मामा वहाँ मत लगा, वो वो अरे वाला, अरे वो उस सुराख में है क्या, ले लू थोड़ा सा ऊपर करो ना जी, बताओ क्या मांगे मिले ना, क्या वो शल्ला मांगे मिले ना, जी अभी मांगे मिले। माशाल्लाह हजरत का निशान ये, माशाल्लाह देखिए, ये तमाम सरकार के चाहने वाले बाबा हुजूर में हाजिरी देने के लिए इस ऊंची पहाड़ी पे तशरीफ लाए, इसे कहते हैं बुजुर्गाने दीन से चाहत और मोहब्बत। और अल्लाह ताला इनकी दुआओं के सदके हमारी तमाम परेशानियों को दूर करता है। माशाल्लाह, आप तमाम लोग शाद रहे, आबाद रहे, खुशहाल रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे आप माशाल्लाह, आता हूँ एक मिनट। आबे देखिए, इस झरने का जो एकदम शिफाई पानी,
ये भाव का जमजम है, भाव का जमजम, ये पानी पी के कैसी भी बीमारी टल जाती है। माशाल्लाह, यानी कुछ फरमाइए खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरा रब कौन है, बता तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। बेशक बेशक, पांच नारे, एक नारा, एक नारा हैदरी। माशाल्लाह हजरत, देखिए आराम से। माशाल्लाह दोस्तों, देखिए ये सरकार के चाहने वाले और उनसे बेहद अकीदत रखने वाले तमाम आशिकाने वली अल्लाह आपको नजर आ रहे, ऐसी होती मोहब्बत अल्लाह के वलियों से। और आपको जो वो गुफा नजर आ रही है वहाँ पे अंदर, अभी मैंने ज़ियारत की तो वो हजरत और अंदर गहरी गुफा है वो, तो आप लोग भी यहाँ तशरीफ लाए। और इसके ऊपर तीन पहाड़ है, उस पहाड़ पे भी बुजुर्गाने दिन आराम कर रहे हैं ना। हजरत दलमेशा वली रहमतुल्लाह अलैह की मजारे पाक है ऊपर। भाई ये बच्चा बहुत डराता है, मेरे को रात में भी डरा रहा था टाइगर दिखता, और वाकई में इसने वीडियो बताया, और अभी हमको अगर टाइगर मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते, चालू है, पकड़ के रखो टाइट। ये देखो ये वीडियो अंदर से मार के ला लो ना, ऐसा है, हां ऐसे अंदर से ले जाओ। नहीं नहीं, अंदर नहीं, इतने अंदर नहीं जाते ना। बैठ गया, सही काफी मालूम है जरा, अपन ऊपर जाएंगे ना तो कुछ भी पानी नहीं दिखेगा, पानी मेरी फोटो आई ना पानी लेते हमारा वीडियो बनाना। आयो डबकी चलो भाई बोलिए बंद कर दो एक। और पानी हमने पी भी लिए, शिफाए में काफी तादाद में अल्लाह के वली की बारगाह शरीफ है, और इस पानी से मुंह धोइए लीजिए और बीमारी के लिए अपने कर ली जा सकते। सच्चे अकीदत से अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से फैज याब पाओगे। चलिए शुक्रिया। ये पहाड़, और ये पहाड़ से एक बाप बेटे जो सीधा चढ़ गए थे तो वहां से गिर चुके हैं। ऊपर वाली भी दरगाह है। चलो एक मिनट आ रहे हैं हम। देखिए ये हमारे बाजी, और ये भी सच्चे आशिक है सरकार के, और ये इश्क ही तो है जो इतने पहाड़ों पे मेहनत करते हुए सरकार की हाजिरी के लिए यहाँ पे आए। अल्लाह ताला इनकी हाजिरी के सदके इनकी हर मुराद पूरी करे। देखिए मासूम बच्चे छोटे छोटे, और ये देखिए हमारे भाई के पास, देखो ना आराम से भाई, देखो ये हमारे, ये देखो ये छोटा सा बाबू अभी सोए है माशाल्लाह, और ये YouTube पे हमेशा रहेंगे, और इनको भी अल्लाह अच्छा रखे। ये माशाल्लाह ये देखो तमाम लोग, और आप लोग भी हमारे हक में दुआ करो जहाँ भी जाए तो भाई, सरकार आपकी हाजिरी को कबूल। आमीन 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 बेशक। तो ये देखो हमारी बच्ची लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके हाथ में, और आराम से नीचे देखो, ऊपर मत देखना, ये पहाड़ी है नोकदार है। तो चलिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये देखो हाजिरी तो हो गई, माशाल्लाह।
तो दोस्तों, सरकार में हाजिरी देने के बाद में तमाम जायरीन अपने अपने घरों को यहाँ से रवाना हो रहे हैं। माशाल्लाह, बेड़ा पार। कहाँ से हो भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए दुआ करिए। ये देखिए, ये पहाड़ों के ऊपर अपने को आप देख सकते हैं आराम से, छोटे छोटे बच्चों को लेके ये तमाम लोग। और ये अब हम ऊपर जाएंगे यहाँ से। ये हमारे सलीम भाई आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से हमारा सफर ऊपर। कौन से हजरत? सैयद दलमेशा वली रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह का यहाँ से अब सफर शुरू होता है। दोस्तों, अभी हजरत दलमेशा वली रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे हम लोग जा रहे हैं। और अभी जो नीचे से मैंने पहाड़ बताया उससे 3 गुना ऊंचाई पे हम जा रहे हैं। सीधा कड़ा पहाड़ है। तो चलिए वो नज़ारा और ज्यारत करते हैं। दोस्तों, अभी हजरत दलमेशा वली रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे हम लोग जा रहे हैं। और अभी जो नीचे से मैंने पहाड़ बताया उससे 3 गुना ऊंचाई पे हम जा रहे हैं। सीधा कड़ा पहाड़ है। तो चलिए वो नज़ारा और ज्यारत करते हैं। ये देखिए, ये शेर है बुजुर्गों के, माशाल्लाह। और ये हमारा भाई, इसने हमको शेर बताया। जब टाइगर है ना, वो टाइगर था। हाँ, टाइगर माशाल्लाह। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाई के हाथ में देखो कितनी बड़ी लट हाथ में लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह। देखिए, अभी हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा आपको लोकेशन दिखाते हैं। अनवार रिसालत के अनवार चमकते हैं, अनवार रिसालत के अनवार चमकते हैं। अल्लाह के वलियों को मुर्दा न कभी समझो, अल्लाह के वलियों के दरबार चमकते हैं। तो चलिए हजरत दलमेशा वली की बारगाह पे हम लोग चलते हैं और अपना सफर शुरू। चलो आराम से देख के आना थोड़ा सा। तुम मोबाइल को मत देखो, तुम नीचे देख के नीचे देखो। आइए दादी, तो मालूम है कि बच्ची थी। आराम से आओ थोड़ा। तुम कैसे अपन समझ जाएंगे आलू? वो नहीं समझ पाएंगे ना। क्या बोलते, गलत बोल रहा? घर वाली चाचा देख के आना। इधर इधर इधर, अभी तो मंजिल बाकी है। चलिए और सफर बाकी है। अब आप चलिए चलिए चलिए। तो ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, हम सरकार की ज़ारत करने को जा रहे हैं। और हम बड़ी मुश्किल से वहाँ पे चढ़ रहे हैं। वहाँ से तो मेरे से जमीन ही रहता, बहुत ऊंचाई पे। अब हमारे सलीम भाई आते के फिट भी नहीं मेरे। नहीं नहीं, चलो ये हमारे सलीम भाई, उनको ला रहे हैं साथ में। और ये काफी ऊंचे पहाड़ पे जाना पड़ रहा है। ये देखिए, ये हमारे लोग जा रहे हैं। ये हमारे पूरे बाबा के चाहने वाले, सरकार के चाहने वाले बुजुर्गाने दीन के। मैंने चला दिया यहाँ से, यहाँ से बाबा चाहने वाले हैं। वो कैसा सीमेंट कैसा लेकर गए थे हमने? मैं वो तो सोच। देखिए इनको ला रहे हैं हम। वो वहाँ जा जाओ, वहाँ बैठ जाओ तुम जाके, हम आ रहे दोनों। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप कितनी ऊंचाई पे हम लोग हैं। और इतनी मुश्किल का सफर तय करने के बाद अल्लाह के वली के बारगाह पे हम पहुँचेंगे और आप तमाम लोगों के हाजिरी और सलाम पेश करेंगे। आमीन। ये हमारे भाई की हिम्मत, ये भाई का सहारा और हाथ पकड़ के हम लोग को लाए, तो इनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए ये इनके हाथ पकड़ के ला रहे हैं। ये हम जा रहे हैं मुकाम पे। सरकार हमार को की ज़ारत को बुला रही है। चलिए
ये हमारे बंदे हैं ऊपर, सरकार की चौखट पे आए हैं हम। ये देखो ये सरकार के चाहने वाले है, थकते जा रहे हैं फिर भी चलते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं फिर भी चलते जा रहे हैं, फिर भी बोलते हम जाएंगे। ये बाबा की चाहत बोलते इसको, चाहत वाला कभी भी जाता है। अकेला मेरा आवाज ही बैठ गया। हाउ हम मदार बेड़ा पार। चलो मैं तुम्हारे पीछे चलिए। आइए आइए सलीम भाई, बच्चे लोग तो चढ़ जाते भाई, उसमें कोई शक नहीं। हजरत इनको ताकत दे दे कि ये जल्दी से चढ़ जाए ऊपर। मेरी चौपन क्यों दे, मेरे को हाजिरी नहीं आती ना, इसलिए ताकत कम है भाई। आपको अल्लाह का करम। चलो बिंदास चलो, टेंशन की बात नहीं, मैं तुम्हारे भी पाल खत्म हो गया। आओ एक मिनट। हाँ जी लीजिए, ये देखो थकते जा रहे हैं, इस सरकार की जारत करने को आ रहे, इसको बोलते चाहत। ये देखिए कितने ऊपर हमारी पहाड़ी पे हम चढ़ चुके हैं सरकार के कदमों के वास्ते। ये देखिए हम कैसा पकड़ पकड़ के चढ़ रहे हैं। तो देखो तुम बोल रहे थे ना खेल दिखने को ना, काय वो दिख रहा काय बोल रहे थे ना, नजदीक मत बताना बोले, दूरी बताना बोले, वाइट चमक रहा भाई। हां काय देखो वो दिख रहा, ये इन्होंने बोले भी रात में भाव से दिखाना, लेकिन नजदीक मत दिखाना, दूर दिखाना। हाँ यार बैठा हुआ, देखो ऊपर से देखो दिखेगा आपको। आओ इधर देखिए, ये हम शेर के तरफ। सरकार का करम, सरकार का करम है। बिंदास चलो तुम क्या, वहाँ शेर बैठा हुआ है और हम काफी ऊपर चले जा रहे हैं, हमारे को शेर दिख दिख चुका है। शुक्रिया शुक्रिया भाई, ये सरकार के नजरे करम है, सरकार से जो चीज की चाहत करे है वो चीज दिखाया गया है सरकार। ऊपर चढ़ जाओ, वहाँ से लेना, चलिए ऊपर दम ले लेते हैं। ये मंजिल के करीब है, मेरे तरफ दिखाना, चलो बताना। मैंने उनको बोला था मैं उनको शेर दिखाऊंगा और वो है चीता, मैंने उनको दिखाया। भाई यहाँ से कैसे चले गए, अरे मैं उन्हें चलो चिंता चलो इधर से जाओ, इधर से निकल गए, उधर से चढ़ना नहीं जाऊंगा, इधर से भाई तेरे के भी है। हां नहीं इतना तो मालूम है। अरे लुमान सही बात सा शेर है वो, अब तो चीता है ना, वो मुंडी ला रहा ना, अलग ही दिख रहा हूं, बंद कर दे। हां ये सरकार और उसके चाहने वालों को, जो भी चाहने वाला आता है कभी नुकसान नहीं होता है वो इंसान को, सरकार सही सलामत बुलाती है और सरकार सही सलामत भिजाती है। ऊपर है इसके और भी ऊपर है, बस ये हो गया। एक बार पहले आवाज आ रही है, सलाम बोल रहे हैं नीचे। ये बाबा गुलाम अली शाह इनको चढ़ने में आसानी कर दो सरकार, दो पर दे इससे में जाओ दो दो पर दे, मैं पकड़ कर भाई तो बोल के फाड़ दिया है, उधर ही तो जा रहे हैं अपन। मैं वो तुम्हारे पीछे वहां से दिख रहा था, बोलिए यार यहां से नहीं दिख रहा क्या बात कर। हां यार वो तो बैठा हुआ है, वो क्या है वो तेरे, वो जीता नहीं है। देखो मुंडी उधर करो, उधर देखो चलो
देखो खालू हाँ तेरे आंदे क्या मुंडी भी इधर उधर कर रहा हूँ किधर जाना है ये इधर इधर से आगे ना बोल बस पीछे ऊपर चलना है देखो ये सरकार का नजरे करम है यहाँ चीता है यहाँ चीता है वो बैठा हुआ है चीता दोस्तों मेरा तो दम फूल गया आप देख सकते हैं बोलने की ताकत नहीं वो नीचे से मैं ऊंचाई पे आ गया और वो मैं जूम करूंगा सोनू भाई के मोबाइल पे चीता ही है वो जो आपको नजर आ रहा सोनू के मोबाइल पे फोन करो कर दिया बाबा मज्जा बाबा नजर इधर ही है पूरी नजर इधर ही है सोनू बाबा के मोबाइल पे अच्छा वो रोड है कि उसका आने का आ जाना तो उधर ही जाना है उसकी किधर जाना है उधर ही जाना है उन लोग कहाँ गए किधर गए किधर गए उन लोग फोन करके बुला लो उनको फोन करो खाना बोले दोस्तों देखिए इतनी ऊंचाई पे हम लोग पहुंच गए और उस तरफ चीता हमको नजर आ रहा है इसलिए हम थोड़े रुक गए यहाँ पे अरे वो इरफान भाई को भी ले जाओ बोलना वो आगे से ले चीता हरकत कर रहा है हनुमान का फोन वहाँ रखा है ये देखिए इतनी ऊंचाई पे हम लोग आए अभी सोनू भाई का सोनू भाई को लगाओ ना पहली बार इतनी मुश्किल सफर पे मैं आया हूँ दरबार में बैठे का इन लोग तो यही बैठे है माशाल्लाह हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं देखिए एक मिनट देखिए भाई पीछे रहना मेरे तुम मालूम है क्या देखिए बस हजरत आपकी हिफाजत में आए आप हिफाजत कि यहाँ से आप लोगों को मैंने वो दिखाया था देखिए और यहाँ से ऊपर आ गया वो अभी बेड़ा पार माशाल्लाह देखिए यहाँ पे चीते और शेर बहुत है माशाल्लाह दूसरे लूंगा मैं अरे आगे मत जाना ए भैया यार डरते भी नहीं मान माशाल्लाह मेरी तो हिम्मत दाद दे गई थी मेरे को ये भाई लोगों ने सलीम भाई इन लोगों ने साथ दिए ये हमारे भाई इनका नाम शोएब भाई नाम शोएब भाई ने हमारा कैमरा पकड़े हमारा साथ दिए बिल्कुल इन सब का सरकार के चौखट पे आए तहे दिल से शुक्रिया वो मुकाम है अच्छा वो है दरगाह ये अंदर वो अच्छा अरे हाँ वो सलाम वालेकुम सरकार रहमतुल्लाह बरकातु अच्छा वो है सही सलामत पहुँचाइए माशाल्लाह सही सलामत बुलाए अरे यहाँ तो अभी दूर जाना है अपने को कहा अंदर माशाल्लाह देखिए वो पहाड़ के अंदर उधर से आए थे लंबे सफर से दरबार शरीफ है बाबा हाँ चलो दल में शामिल करना अरे वाह चलो ना नीचे यहाँ से हम लोग ऊपर आए अभी देखिए यहाँ से आ गए यहाँ तक उनके नाम पे चलो मेरे साथ जिंदगी में पहली बार इतनी ऊंचाई पे आया हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम बुजुर्गों का शुक्र है आओ ना इधर आओ पीछे हम शेर देखेंगे भाई हम तो बड़ी बात नहीं करते हम तो बड़ा डर लग रहा भाई इन लोगों ने ला लिया हमको इतनी ऊंचाई पे अब वही सोच रहे नीचे उतरेंगे कैसे चढ़ तो गए हैं अल्लाह है, अल्लाह के वली जैसा हम चढ़ गए अल्लाह के फजलो करम से इनकी दुआ से वैसे ही अल्लाह उतार भी देने के लिए चलिए भाई लोग है हमारे साथ में
ये जा रहे अब्बा और बेटे। किधर का है का सलीम भाई, का है वो आपने जो लगाए टीन वगैरह? अच्छा अच्छा, इतने ऊंचाई पे आए थे टीन वगैरह लेके? हमने कहा शेर देखे थे, हम वो जगह ले जाएंगे और वहाँ पे शेर बताएंगे आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए 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 हम आपके साथ हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह है मददगार, अल्लाह है मददगार, अल्लाह हू अकबर। पत्ता भी नहीं मिलता, बेशक अल्लाह हू अकबर। हम आपको जाने वाले नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा भैया? जरा धीरे धीरे चलो यार, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। पानी भी पिला दूंगा। पानी है क्या वहाँ? है क्या ये हमारा है? ये यहाँ का जमजम है, जमजम माशाल्लाह। ये यहाँ का जमजम है, सरकार का तबरुक है। चलिए देखिए पूरा घना जंगल और ये जंगलों के बीच हमारा सफर शुरू है। माशाल्लाह, नहीं अब नियत करी तो जाएंगे सरकार की। हाँ और कितने किलोमीटर है ऊपर? हाँ भाई मन मत रोका, चलो कितना है अभी? बस आई गए, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। हाँ क्या सरकार के चौखट पे? अरे भाई साथ में चलो ना, तो इतने डिस्टेंस में क्यों चल रहे? साथ साथ चलो, वो साथ में चलना अच्छा रहता। मौत को साथ में लेके जाना है, वहां पे पूरे शेर के संख्या लाके खूटे बंधे हुए। बाप रे बाप रे, वो जगह जो। तो दोस्तों अभी एक और बुजुर्ग की बारगाह पे जा रहे हैं। कौन सा बेटा? सैयद दलमेश शाह वली, सैयद दलमेश शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पास जा रहे हैं कि बारगाह पे जा रहे हैं। और पूरा पहाड़ पे है अभी हम, कम से कम जमीन से कितने ऊपर होंगे हम? जमीन से 500 फीट तो नहीं, होंगे कम से कम 2000 की ऊंचाई पे हम लोग अभी इस वक्त है। और आप लोग भी तशरीफ लाए, और ये जंगल सफारी का सफर है। देखा जाए तो यहाँ पे जंगली जानवर भी है। अभी हमने टाइगर देखा, चीता देखा, माशाल्लाह मैं जब लगा। दोस्तों देखिए ये हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं और यही लोकेशन है। यहाँ पे कुछ देर पहले टाइगर को देखा गया और कहाँ है कहाँ है? एक मिनट एक मिनट, देखो माशाल्लाह कहाँ है कहाँ है? हाँ ये देखिए पंजे, ये पंजे ये देख सकते हैं आप, पंजे इधर गए, इधर गए, बहुत लंबे पंजे दिख रहे हैं ना उसके, इधर गए माशाल्लाह। अभी यही आसपास है वो हमारे, कहीं देख सकते हैं आप। देखिए ये शेर बब्बर के बाल आप लोगों को, ये मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ। देखो ये बब्बर शेर के बाल आपको नजर आ रहे हैं, हड्डी हड्डी भी है ना बायकादा, हड्डी वगैरह भी आपको इसमें नजर आ रही है। देखो ये देखो, तो यहाँ पे बड़े बड़े शेर है। चलिए यही कहीं होना चाहिए। और ये सलीम भाई हमको यहाँ लेके आए शेरों के बीच, माशाल्लाह बड़े शेर दिल इंसान है ये। हमने तो हिम्मत हार गए थे, मगर इनका सहारा मिला, हाथ पकड़े तो सरकार ने हमें अपने दर पे बुला लिया। कुछ भी नहीं, नीचे जो जमीन है ना वहाँ पे किले। और माशाल्लाह पहाड़ों का सफर करते हुए हम पहाड़ों के उस चोटी पे आ गए हैं जहाँ पे प्लेन रास्ता है। और ये हमारे साथ में हमारे तमाम भाई लोग, भतीजे लोग सब है। सब आप हमारे पीछे आ जाइए थोड़ा एक मिनट के लिए।
ये देखिए, ये हमारे साथ में है सब लोग। हम सरकार के बारगाह में आए हैं। माशाल्लाह, बोलो 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 बोलो। हम सरकार के बारगाह में आए हैं ज़ियारत करने के वास्ते। हम सरकार के चाहने वाले हैं, हमारी ज़ियारत को कबूल अता फरमाइए। आमीन आमीन आमीन। चलिए माशाल्लाह, ये देखो बुजुर्गान दीन का काफिला बोलेंगे तो चलेगा, उनके चाहने वाले। हर चीज की सुविधा है सरकार के पास आने से। माशाल्लाह, सरकार के पास आने से हर परेशानी हर मुसीबत कटती है। जमजम दिखाएंगे। ये देखो इतने ऊंचाई के ऊपर ये पानी आप लोगों को नजर आ रहा है, कम से कम 2000 की ऊंचाई है ये माशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए, इस पानी को अल्लाह की दूसरी मखलूक यानी शेर चीते और जंगली जानवर जो है उनके लिए अल्लाह ने अता किया है। और फिर हम जैसे चाहने वाले भी यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। ये तो यहाँ तो पानी दिख रहा होश है कि माशाल्लाह। हम लोग अभी सरकार की बारगाह शरीफ पे आ गए। ये पहाड़ी पहाड़ों के ऊपर प्लेन रास्ता है। ये देखिए हमारे साथ में तमाम लोग यहाँ जा रहे हैं। चल हाँ, एक मिनट। तो दोस्तों अभी हमने भाई क्या नाम नुमान को हमने दे दिए और हम इसके पीछे पीछे चल रहे सरकार के बारगाह शरीफ पे। हम लोग तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला इनकी दुआओं के सदके तुफे तमाम लोगों को खुशहाल रखे, शादाब रखे, और आप लोग भी यहाँ तशरीफ लाए। चलिए आप लोगों की हाजिरी और सलाम करवाता हूँ। माशाल्लाह, देखिए दरबार शरीफ पे हम लोग आ गए। और ये आपका परचम माशाल्लाह। देखे कहा है, यही करना है। अगरबत्ती नहीं लाया बाबा। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह ये तिल लाए वहां से। माशाल्लाह दोस्तों, देखिए सरकार की बारगाह शरीफ। ये पाइप, अच्छा ये तमाम चीजें इतनी ऊंचाई पे ये हमारे सलीम भाई ने लाए और इनके कुछ साथी थे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे लाके ये टीन का शेड डाले। ये साहबजादा है सलीम और ये हमारे सलीम भाई और ये तमाम उनके मुरीद और दोस्त और सब भाई तमाम लोग ये साथी कहेंगे। ये हमारे साथ तशरीफ लाए और बार गाए दलमेशावली रहमतुल्लाह अलैह के दर पे हाजिरी दी। तो दोस्तों देखिए हजरत का बारगाह शरीफ माशाल्लाह। मामा शरीफ जी जी ये हजरत की दरगाह शरीफ है। तो दोस्तों आप लोग भी ज़ियारत कीजिए क्योंकि आप लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि इसके लिए सच्ची मोहब्बत, पुख्ता अकीदा और हौसले की जरूरत होती है। तो मैं इनके साथ में तशरीफ लाया हूँ, वरना मैं अकेला नहीं आ सकता था। मैं इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी यहाँ आने में मदद करे और बहुत साथ दिए मेरे को। अल्लाह ताला जो भी मेरी मदद की इसके सदके तुफेल इनकी दुआओं के सदके अल्लाह इनकी हर जायज मुरादें पूरी करे और ये हर मर्ज से महफूज रहे, परेशानी तमाम चीजें दूर करे और तमाम की जायज मुरादें पूरी करे। चलिए यहाँ पे हाजिरी देने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। माशाल्लाह दोस्तों, ये सरकार दलमेशा वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह शरीफ है। और मैंने 1, 2, 3 पहाड़ है ना, तीसरा पहाड़ ये तीसरे पहाड़ पे है।
जो नीचे मैंने हजरत की दरगाह शरीफ दिखाई, जो गुफा के अंदर ऐसे वहां से चढ़ते हुए खड़े पहाड़ है, ये तीसरी पहाड़ी के ऊपर प्लेन जगह है, यहाँ पे ये बारगाह शरीफ है और यहाँ ये जो टीन का शेड आपको नजर आ रहा है, ये टीन का शेड, ये टीन का शेड जो नजर आ रहा है, ये हमारे सलीम भाई और इनके दोस्तों ने मिलके सब लोगों ने यहाँ पे पहाड़ी पे चढ़े, सीमेंट बोरी रेती और ये सब टीन लेके सरकार का ये सब बांध काम किए। तो दोस्तों आप तमाम लोगों का सलाम और हाजिरी, मैं हजरत की बार यहाँ पे पेश करता हूँ। बंद करो, चालू रखो दोस्तों, इस सरकार की बारगाह पे आप तमाम लोगों का सलाम और हाजिरी अभी मैंने पेश की और माशाल्लाह इनकी मौजूदगी मुझे महसूस हुई, ये बता नहीं सकता मैं। तो आप तमाम के हक में दुआए खैर और आप तमाम लोग शादर आबाद है ना। सलीम भाई तो दोस्तों हमको ऐसा लगा कि सलीम भाई इस तरह की बॉटल खोल रहे, मगर वो कुछ और था। और यहाँ पे हमें हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ, नहीं सोनू भाई, सोनू भाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी यहाँ तशरीफ लाए, हिम्मत करें इस पहाड़ी पे आने की और हजरत की बारगाह पे हाजिर दें और इनकी दुआओं का फायदा। आमीन आमीन। दोस्तों चलिए, मौकिल उनका मौकिल कोई भी शक्ल में रहता माशाल्लाह। ये पूरी वो जो मट्टी है ना इधर से बंधी हुई है, जारत के अंदर से बंधी हुई है, देखो ये जारत के अंदर से बंधी हुई है। मैं दूर से खा दूँ ठीक है ना भाई। माशाल्लाह ये सरकार दलवेशा वली रहमतुल्लाह अलैह इनका परचम शरीफ देखिए इस पहाड़ी पे, अल्लाह के वली तो दोस्तों ये हजरत दलवेशा वली रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह का सफर मुकम्मल हुआ और हम बहुत ऊंचाई के ऊपर आके आप तमाम लोगों की हाजिरी और सलाम पेश की। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दुआओं में याद रखिए। चलिए मिलते हैं अगले सफर पे एक और वली की बारगाह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बक है। अच्छा।